जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने चंदौसी में जिला न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक माह पूर्व दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार हुए तीन कैदियों की घटना के बाद से जिला न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, जिसके बाद आज पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तथा उनके हथियार भी चेक किए। इस विषय में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था तथा यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के हथियार भी चेक किए गए हैं, जो कि एकदम दुरुस्त पाए गए हैं। हमारे यहां जो कोर्ट लॉकअप है, आज उसको सरप्राइज चेकिंग किया गया है। इसमें जो हमारे कैदी बहन हैं और जो सिक्योरिटी पर्सन में लगे हुए हैं, सभी की आकस्मिक रूप से चेकिंग की गई है। सभी को ये इंश्योर किया गया है कि उसने प्रॉपर वर्दी में रहें, प्रॉपर ड्यूटी में जो जिस बहन के साथ असाइन है उनके साथ रहें, और उनके साथ जो अपने वेपन है वो प्रॉपर रूप से हो। जो जिसकी जहाँ ड्यूटी है, स्पॉट में ड्यूटी है या वैन में ड्यूटी है, जन वैन के साथ ड्यूटी है, वो सभी लोग अपने अपने गाड़ियों में रहें, और जो कोई भी आने वाले समय में कोई अनहैपनिंग ना होने पाए, इसको इंश्योर कराने के लिए ही सरप्राइज चेकिंग की गई है। सभी लोग अपने ड्यूटी पर मुस्तैद पाए गए हैं, असलहे भी सब पे चेक किए गए हैं, सभी के असलहे मुस्तैद पाए गए हैं, और यहाँ पे सभी को फिर से तय किया जा रहा है कि अपने आने वाले टाइम में मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे। सर, क्या सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए हैं? हाँ, अभी वो भी चेक किए जा रहे हैं, आगे उसकी कार्रवाई जारी है।